नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लॉ इजी नोट्स, जहां पर हम लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। दोस्तों, अवशिष्ट विधायी शक्तियों को हम रेसिडरी लेजिस्लेटिव पावर्स कहते हैं। दोस्तों, अवशिष्ट विधायी शक्तियों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 248 में किया गया है। दोस्तों, हमारे देश में तीन प्रकार की सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सूची क्या होती है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, संघ सूची वे सूची होती हैं जिनके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। दोस्तों, जो विषय देश से संबंधित होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को होता है। दोस्तों, वर्तमान समय में 98 विषय ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। अब बात करते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय शामिल हैं और संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अवशिष्ट विधायी शक्तियों की। अवशिष्ट विधायी शक्तियों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 248 में किया गया है। आर्टिकल 246 का के अधीन रहते हुए जो विषय संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में नहीं आते हैं उन विषयों को ही हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। दोस्तों, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को दी गई है। इन विषयों पर राज्य कानून नहीं बना सकता है। दोस्तों, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हमारे भारत देश में यह अधिकार संसद को अर्थात केंद्र को है। आई होप दोस्तों, आप सभी को अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ समझ में आ गई होंगी और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।